उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। गुजरात में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियों के बाद अब जो सिलसिला शुरू है वो है सड़क हादसों का सिलसिला। बाढ़ के बाद जो रास्तों की जो हालत हो गई उससे एक और आज एक सड़क हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर पाड़ी सोनवाड़ा के नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। यहाँ पर एक हैवी लोडेड माल से भरा ट्रक किस प्रकार से देखो गड्ढे में, उसके साथ एक मोटर गाड़ी भी है जो टक्कर लगने की वजह से, जिसका गाड़ी नंबर है GJ5RE1213, और इस गाड़ी को किस प्रकार से देखो टक्कर लगी है, जो डिवाइडर के आसपास टक्कर लगने की वजह से जो ट्रक जो गड्ढे में हाईवे के ऊपर जो गड्ढों की वजह से वो ट्रक ने अपना संतुलन खो दिया है और दो गाड़ियाँ यहाँ पर टक्कर लगी। दोनों डूंगरी और आसपास के सभी ग्रामीण जो सोनवाड़ा राजमार्ग का के माध्यम से उपयोग करते हैं, वो छोटे वाहन जैसे कि बाइक रिक्शा आदि से यात्रा करते हैं, वो कृपया ध्यान दें कि विशेष ध्यान रखें और यदि संभव हो तो राजमार्ग ओवरब्रिज का उपयोग करने से बचे, सर्विस रोड का उपयोग किया जाए। जिस प्रकार से मार्गों में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है उसी तरह से हादसों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ की परिस्थितियों के बाद का जो असर है वो इस प्रकार से है कि हर राजमार्ग को देखा जाए तो आज गड्ढे पड़े हैं और इन राजमार्गों की मरम्मत करने में अभी कुछ समय लग सकता है इसी चलते, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हो सके उतने भारी भरकम गाड़ियां लेकर आप जब चलते हो, तो फिलहाल अभी जब तक ये राजमार्ग की मरम्मत नहीं हो जाती है तब तक आप सर्विस रोड का उपयोग करें और तेज़ गति से ना चलाएं गाड़ियाँ। गाड़ी की गति को धीमी गति पे चलाने का फिलहाल अभी प्रयास किया जाए ताकि इस प्रकार के मार्ग हादसे, मार्ग दुर्घटना से हम बचे, खुद भी बचे रहे और औरों को भी जान बचाने में मदद कर सकते हैं। तो कृपया करके फिलहाल कुछ समय के लिए इस प्रकार के हादसों से अगर बचना है तो अपनी गाड़ियों की गति को धीमी गति से चलाया जाए ताकि फिलहाल जब तक इन राजमार्गों का मरम्मत ना हो जाए, जब तक इन रास्तों का मरम्मत ना हो जाए तब तक हम अपनी गाड़ी की गतियों को धीमी गति से चलाएं और सभी के साथ अपनी भी जान बचा सकते हैं।